आदाब मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत ब्रिटेन के ट्रेड एग्रीमेंट की भारत और ब्रिटेन के रिश्ते सदियों पुराने हैं हम साझा हिस्ट्री और कल्चरल ट्रेडिशन शेयर करते हैं और एक जमाने से ब्रिटेन में रहने वाले भारत के लोग जिन्हें हम इंडियन डायसपुरा कहते हैं इन दोनों मुल्कों के रिश्तों के बीच में पुल का काम करते हैं अगर हम जी ट्वेंटी नेशन की बात करें तो इस लिहाज से ब्रिटेन भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और यही सारी वजह है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने फॉर्मल तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू की है जिसके तहत पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और मुमकिन है कि दिवाली तक इस बातचीत को मुकम्मल भी कर लिया जाएगा तो समझने वाली बात यह है कि समझौते का मतलब क्या है, क्या है मायने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या क्या शामिल हैं भारत और ब्रिटेन के लिए यह कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी है तो क्या इसमें कोई चैलेंजेस भी हैं इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तीन खास मेहमान मौजूद हैं भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इकोनॉमिक रिलेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे एम्बेसडर पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सर वेलकम टू द स्टूडियो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में प्रोफेसर अर्पिता मुखर्जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैम बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विजय कौल जी और प्रोफेसर विजय कौल जी के बारे में हम आपको बताएँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के फॉर्मर एच प्रोफेसर विजय कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं सर वेलकम टू द स्टूडियो तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं बेहद अहम मसला है इस पर हम बातचीत करते हैं शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिनाक रंजन जी आप ही से बातचीत की शुरुआत करना चाहती हूं और ये जानना चाहती हूं कि एफटीए जिसकी हम बात कर रहे हैं और स्पेशली हम जब ब्रिटेन और भारत इन दोनों के बीच का जो फ्री ट्रेड की हम बात कर रहे हैं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज और जब हम ये कह रहे हैं कि दिवाली तक मुकम्मल कर लेंगे पांच दौर की जो बातचीत हो चुकी है दिवाली तक तो चलिए हम एक अलहदा मसला उसको मान लें कितना दिन उसको लगेगा, लेकिन जो पांच दौर की बातचीत हुई है उसके जो आउटकम्स हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं इस एफ को लेकर मेरे ख्याल में मैं कहूंगा उसमें उसमें समझौता है Uh, पर कुछ चीज़ें बाकी हैं डेटा लोकलाइजेशन है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी इश्यूज हैं इस तरह की चीजें हैं और फिर कुछ टैरिफ लाइंस में कि, कितना कम किया जाए टैरिफ आपको पता है एफटीए में uh, जब किसी जो दो देश या बायलैटरल एफटीए करते हैं तो उसमें टैरिफ कंसेशंस वगैरह देते हैं एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं right. जो एम एफ एन के हट एम एफ एन से हट के होता है और ये जो इन्वेस्टमेंट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपके हवाले से हम अपने व्यूवर्स के लिए और अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो कैसे ये आ, आ, एक तरह से मददगार हो सकता है कितना फ्रूटफुल आपको ये लग रहा है दोनों ही नेशन के लिए और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आ, हम इंडियंस के लिए यूके के साथ हमारा सर्विसेज में भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बैलेंस है तो हम लोग और इन्वेस्टमेंट की बात आपने की तो जो ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसको लोग इसलिए करते हैं कि ताकि दोनों देशों में फायदा हो और हमें भी काफ़ी फायदा मिले न यूके इसलिए कर रहा है क्योंकि हम दुनिया में वन ऑफ दी हाई टेरिफ कंट्रीज है और यूके को हमारे देश में जब यू से उसका निकल गए उनको भी तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन करना है exactly. तो इस हिसाब से उनके लिए हम हमारा इतना बड़ा मार्केट है यूके कंपनी प्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी नहीं है हमारा यूके के साथ हाँ और इसीलिए इन्वेस्टमेंट चैप्टर में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिटरमिन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए उनके साइड के मैं बता रही हूँ हमारे साइड से भी हमें ऐसे उनके मार्केट में हमें कोई खास टैरिफ इश्यूज नहीं है हमने उसको काफी अच्छे से पढ़ा है क्योंकि उनके देश में कुछ कुछ प्रोडक्ट में हाई टैरिफ है मगर हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में हाई टैरिफ है सो so, टैरिफ रिडक्शन शायद हमें ज्यादा करना पड़े उनको कम शायद नहीं अगर आप किसी से भी एफ कर ले इंडिया को थोड़ा टैरिफ रिडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें इंडियन कंपनीज का सेंसिटिविटीज है टैरिफ रिडक्शन में जैसे मानिए अल्कोहलिक बेवरेजेस है जिसको हमारा काफी डेढ़ सौ परसेंट टैरिफ है हम कितना कम करेंगे कैसे कम करेंगे क्या रूल ऑफ ओरिजिन होगा कितना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होगा और यूके ये रूल ऑफ ओरिजिन मान पाएगा या नहीं पाएगा नहीं। क्योंकि फोर्टी परसेंट रूल ऑफ ओरिजिन उनके लिए भी हर चीज में जबकि उनकी सप्लाई चेन इतनी इंटीग्रेटेड है यू के साथ ईजी नहीं है तो ये सब मुद्दे होंगे देखिए डिजिटल ट्रेड इंडिया के लिए काफी नया चीज है मगर ऐसा नहीं है कि इंडिया ने डिजिटल ट्रेड पे साइन नहीं किया इंडिया ने यूएई के साथ डिजिटल ट्रेड चैप्टर पे साइन किया है ऑलमोस्ट सिमिलर जो कि डब्ल्यूटीओ की ई कॉमर्स निगोसिएशन हो रहे हैं सिमिलर काइंड ऑफ चैप्टर में इंडिया ने ट्राई किया है साइन करने का मगर आप दो तरह से इसको देखें ये वाला एग्रीमेंट एक्चुअली मेन एग्रीमेंट है नहीं इसको कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट और इंटरिम एग्रीमेंट अब इंटरिम okay. एग्रीमेंट में हम क्या देंगे और देने के बाद हम बड़े वाले एग्रीमेंट में क्या देंगे ये है एक मुद्दा हुँ. कि कितना यहाँ मिलेगा और इसके आगे हम कहाँ जाएंगे हुँ. तो पहले क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे एक सोच थी कि चलो जल्दी जल्दी हम कुछ कर लेते हैं और कुछ कहीं पे साइन कर लेते हैं मगर अगर हम जल्दी जल्दी करें और वो जाके उनके पार्लियामेंट में ना अप्रूव हो जैसे ऑस्ट्रेलिया के केस में हुआ तो कॉम्प्रिहेंसिव शुरू करना पड़ेगा इसीलिए ऑस्ट्रेलिया हमें एक दिशा भी दिखाती है कि हर बड़ी हर बड़ी करना हर टाइम इजी ना भी हो सकता है क्योंकि आपको जो ट्रेड एग्रीमेंट है ना हर एक कंट्री का अलग अलग होता है किसी कंट्री उसको ले जाता है कैबिनेट में जैसे भारत में और किसी को ले जाना पड़ता है पार्लियामेंट में तो ये जो चीज है कि आप एग्रीमेंट तो कर लोगे मगर उसको ले जाके आपको सील भी करना है तो ये दो चार मुद्दे हैं जिसके लिए शायद थोड़ा सा रुकावट आ सकते हैं मगर ऐसा नहीं कि इंडिया ने ट्राई नहीं किया यू नो इंडिया ने नेगेटिव ने लिस्ट का भी प्रॉमिस किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे भी कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा दोनों साइड एक दूसरे को क्या दे रहे हैं राइट एग्जैक्टली मैम और जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि आ, उसको सील भी करना होता है सो आई एम श्योर कि वो आ, सीलिंग की तरफ जाएगा और जो भी बेनिफिट्स आ, मिल सकते हैं और क्योंकि एक तरीके का बाटर है हम गिव एंड टेक भी बात कर सकते हैं because India जिस तरह का uh, nation या इकोनॉमी के तौर पर हम जिस तरीके से उभर रहे हैं और आजकल तो जिस ग्रोथ uh, की हम ऑलमोस्ट सेवन परसेंट के आसपास की बात कर रहे हैं एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम इंडियन हवाले से भी उसको समझें uh, पिनाक सर पहला सवाल मैं एक बारी आपसे फिर से लेना चाहती हूं जो हमने पूछा कि वॉट एफ टी एज और आपको कब तक लग रहा है कि ये मुकम्मल हो पाएगा क्योंकि एक गोल सेट किया गया कि uh, पांच दौर की बातचीत हो चुकी है और दिवाली तक शायद ये uh, हम इसको कंक्रीट एक तरह की शक्ल में देखेंगे uh, वो कितना आपको प्रैक्टिकली फिजिबल लग रहा है और जो फाइव राउंड अभी तक जो बातचीत हुई है उसके आउटकम्स क्या हैं देखिए मुझे लगता है जो जो अर्ली हार्वेस्ट की बात हुई है आ, वो तो पॉसिबल है और जिसमें डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं उसको सेकंड राउंड में कर देते हैं नॉर्मली कि उसके आगे बातचीत करेंगे और फिर सीलिंग की जो बात करी सीलिंग तो नहीं खैर इसको रेटिफिकेशन कहते है। तो है। आ, हैं तो रेटिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे यहाँ तो खैर कैबिनेट उसको अप्रूवल दे देता है पर बाकी देशों में कई देशों में वो पार्लियामेंट में जाता है वहाँ जा फंस जाता है क्योंकि तब तो पॉलिटिक्स आ जाता है उसमें क्योंकि जो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनकी लॉबीज़ हैं उसमें वो पॉलिटिक्स नहीं आती मुझे लगता है कि दिवाली तक शायद हम एक अर्ली हार्वेस्ट का ढांचा बना लेंगे पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हम शायद जो हमारे हाथ में जो जिसको हम कहेंगे लेवरेज ये जो बात हुई 150 परसेंट जो 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 यूके के जो जो बड़े ब्रांड्स हैं ना जो विस्की वाले ब्रांड्स हैं जो जो यहाँ पे बहुत चलते हैं और काफी काफी उस पर दाम भी है तो उसको कम करने से उनका मार्केट बढ़ेगा right. और हमारी तरफ से जो वहां पे है कुछ चीजें वो अगर कम करें तो हमारा मार्केट बढ़ेगा बात यह है कि हमारी जो जो डेफिसिट है इन इन ट्रेड इन गुड्स ग्लोबली उसमें हम कंसंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना है आत्मनिर्भर की बात हुई है मैन्युफैक्चरिंग के साथ हमको एक्सपोर्ट भी करना है right. तो एक्सपोर्ट करने के लिए अगर हम किसी देश में एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे हमें प्रेफरेंशियल टैरिफ मिलेगा तो हमारे मैन्युफैक्चरर को वो फायदा होता है हमारे एक्सपोर्टर को फायदा होता है इसीलिए एक एफ बनाया जाता है वैसे तो डब्ल्यू एग्रीमेंट है एम एफ एन क्लॉजे और हमारे यहाँ कुछ टैरिफ्स इंडिया में लोग समझते हैं कि हमारे टैरिफ्स बहुत हाई हैं हाई है कई चीजों पे है मेरे ख्याल इन जनरल अगर एवरेज ले तो हमारी टैरिफ्स हाई हैं Hmm. तो इसीलिए एक अब, अब टैरिफ सम क्यों रखते हैं हाई क्योंकि हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना होता है hmm. अभी बातचीत चल रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कि आप लोग हम लोग ने उनको प्रोटेक्शन दे रखा है ऑटोमोबाइल hmm. इंडस्ट्री को इम्पोर्ट्स में क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड है ऑटोमोबाइल्स में hmm. सब ने यहाँ फैक्ट्री खोला हुआ है और मार्केट भी है हमारा फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है इसलिए जब इस सारी चीज़ों में अगर हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप तो बड़े इस्टेब्लिश हो इंडिया में अब आप ये जो ड्यूटी लेवल्स जो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह पे ये काफ़ी हाई हैं तो हमने मेरे ख्याल सरकार उनसे बातचीत कर रही है कि इसको आप कम करें सो दैट देर इज़ कॉम्पिटिशन ऑल्सो और बाहर के लोगों को और हमें भी तो कम करना है ना टैरिफ हम अगर चाहें कि वो टैरिफ कम करें तो हमें भी करना पड़ेगा तो ये एक म्यूचुअल गिव एंड टेक है Hmm. तो अब कहा हम करेंगे कहाँ वो करेंगे वो तो एक सॉवरन डिसीशन होता है जी. और नेचुरली एक कॉम्प्रोमाइज बनता है इन दी एंड जब ढांचा एक बनता है एफ का वो एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट uh, होता है hmm. तो अंत में मैं ये कहूंगा कि आ, एक ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि दिवाली तक पूरा तो नहीं होगा अर्ली हार्वेस्ट हो सकता है hmm. अगर पॉलिटिकल विल हो और करना हो तो hmm. अर्ली हार्वेस्ट इज द वे आउट उसके बाद बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव है या और उसको राउंड में ले जाने वाले कई चीज़ें होंगे वो फिर आगे देखा जाएगा ओके सर प्रोफेसर विजय कौल जी हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय कौल जी आपसे जो मैं जानना चाहती हूँ एक तो ये जो एफ टर्म है ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है और उसमें फिर यूके हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसके कई रीज़न है जो हमने शुरुआत में भी कहा लेकिन जब हम बात करते हैं फ्री ट्रेड की और उसमें हम ये भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम हैं जिनको हम एनर्जाइज कर सकते हैं क्या हमको बूस्ट वहाँ से मिल सकता है कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम फ़ायदा तलाश सकते हैं ख़ासतौर से हम अपने लिए अपने मुल्क के लोगों के लिए और ये सब जो हो रहा है जिस एफ की यू के साथ हम बात कर रहे हैं उस ट्रैक को मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ और ओवरऑल एक पिक्चर जो है उसको मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ उस पर इसमें जो एफ़ टी ए जो है लास्ट कुछ कुछ वर्षों से ये काफ़ी शुरू हो चुका है हमारा शुरू में हमने जो आसियान के साथ जापान के साथ और साउथ कोरिया के साथ जो एफ़ टी ए किया तो उससे हमारा जो हमने रिज़ल्ट देखा उसमें देखा कि हमारा इम्पोर्ट जब बल्कि उससे बढ़ गया बल्कि डेफिजिट इंक्रीज़ हो गया तो उसके बाद जो एक री थिंकिंग जो हुई है वो ये है कि असल में हमारे हम जो अगर किसी कहीं पर भी फ्री ट्रेड करेंगे तो ये फेयर और बैलेंस होना चाहिए और हम कंपटीशन की बात नहीं करना चाहते हम चा, देखना चाहते हैं कि कंप्लीमेंटेटी है सर्विसेज में बढ़ना चाहिए इंपैक्ट डेफिनेटली इंप्लॉयमेंट के ऊपर है कि हमारे यहाँ पर जो जो टोटल जो जो एक्टिविटीज हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं या दूसरी एक्टिविटीज हैं उसको एक बूस्ट मिलेगा तो जैसे आजकल हमारे यहाँ पर हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं तो यूके के अंदर स्पेशली ये है के एक तो ये डेफिनेटली हम चाहते हैं कि भी हमको कई तरह की एडवांटेज होगी यूके यूके को जो है विजिट ब्रिक, के बाद जो है वो और साथ में फिर वो चाइना को लेकर के भी कुछ कंसर्न्स हैं तो वो अपने एक्टिविटीज को अपनी जो जो ट्रेडिंग को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटीज और मिल सकती है जैसे कुछ फैशन गुड्स हैं कुछ और गुड्स हैं उसमें भी जो चाइना से वो ले रहे हैं वो यहाँ पर डाइवर्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली अगर हमारा ट्रेड जो यूके के साथ बढ़ेगा असल में देखें हम इकोनॉमीज जो हैं दोनों जो बिग इकॉनॉमी है फिफ्थ और सिक्स लार्जेस्ट इकॉनॉमीज हैं वर्ल्ड की तो ये इनका जो अगर फ्री ट्रेड होगा और जो एक्टिविटीज बढ़ेंगी तो इसका बेनिफिट दोनों को होने वाला है और हमारे यहाँ पर देखते हैं जैसे अभी बताया गया कि असल में हमारा जो पॉजिटिव है ट्रेड जो है बैलेंस जो है पॉजिटिव है यूके के साथ और बल्कि ये जो है सर्विसेज के अंदर भी है और उसके अंदर भी है तो हमको भी काफी चीजें बढ़ाने की जरूरत है और एक जो स्पेशली जो यूके के साथ हमारा यह कि यूके को एक एडवांटेज है हाई टेक एरियाज़ की और जो आर की आई की तो उसमें हमारे लिए ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट जब हम मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना चाहते हैं हम सर्विसेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये इस जो आरएनडी को लेकर के जब हम अगर हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं इस तरह के जो वहाँ से एफ जो कि टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर सके हमारे जो आर को सपोर्ट कर सके तो ये असल में यू के केस के अंदर के ये एडवांटेज बहुत ज़्यादा होने वाली है कि हमको जो आर एन डी से रिलेटेड या दूसरी और एक्टिविटीज से रिलेटेड क्योंकि हमारा जो वहाँ से हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं ज़्यादातर वो हाई टेक जो है प्रोडक्ट्स वगैरह हैं और यहाँ पर भी जो है वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एफ डी आई वगैरह है वो सारा का सारा उनका सर्विसेज के अंदर ज़्यादा है तो ये बेसिकली इसको थोड़ा सा जो थोड़ा सा हाई टेक हाई वैल्यू एडिड उस तरह की करेंगे तो हमारी अपनी इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा साथ में जो आज हम जो एक बिग बूस्ट देना चाहते हैं जो जो स्टार्टअप जो इको को उसके लिए भी ये काफी पॉजिटिव रहने वाला है ओके okay. तो ठीक है अच्छी बात है पॉजिटिव रहने वाला और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव भी रहे और थोड़ा सा जो रिजल्ट Uh, हम दिवाली तक कह रहे हैं दिवाली ना से ही तो थोड़ा सा अगर एक्सीड भी करता है तो आई होप वी आर ओके विद डैट मैम और जैसा सर ने कहा अभी विजय जी ने कि हम फिफ्थ और सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर हैं लेकिन फिर भी uh, कुछ जगह ऐसी रही हैं जहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता था बट हमने अंडर परफॉर्म किया है एफ उसको बूस्ट करेगा उसको बेनिफिट करेगा बेटर करेगा अगर हाँ तो कैसे देखिए आपका कैसे वाला पॉइंट का मैं पहले जवाब देती हूँ लोग हम लोग बहुत कहते हैं कि हमें जापान कोरिया वगैरह एफ टी से फ़ायदा नहीं मिला तो हमें फ़ायदा क्यों नहीं मिला उसका दो कारण है पहला कारण ये है कि जापान और कोरिया को हमारा एक बंद मार्केट को खुला मिला मगर हम जब जापान और कोरिया में गए हमने दिया कम तो हमें मिला कम ये जो मिलने देने का चक्कर है उसमें हम जापान और कोरिया मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर से पीछे है अच्छा। आज भी अगर आप देखिए चाइना को जापान में क्या मिला और कोरिया को क्या मिला चाइना को कोरिया में क्या मिला अगर आप उसको कंपेयर करें हमें क्या मिला आप देखेंगे हमें काफ़ी कम मिला है हमने मोड फोर में भी किसी कंट्री से हमने कोई स्पेशल वीसा तो ली नहीं है जैसे एच वन बी वन वीसा यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को दी है या एपेक वीसा है तो हमें हमें दे, हम अगर नहीं देना चाहते तो हमें मिलने वाला भी ज्यादा कुछ है नहीं ये वाले बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा सबसे okay. पहले और दूसरी बात ये है कि देखिए देने एक सप्लाई चेन का जो प्रोडक्ट होता है एक प्रोडक्ट का जो सप्लाई चेन होता है उसमें कई प्लेयर्स होते हैं और उनके इंटरेस्ट वेरिड होता है आप जब ट्रेड एग्रीमेंट निगोशिएट करोगे आपको इंटायर सप्लाई चेन में वैल्यू चेन में आप कहाँ पे हो ये आपका देखना जरूरी है क्योंकि आज आप जब देखिएगा जी डोमेस्टिक मार्केट में जब आप कस्टम ड्यूटी को लेकर देखिए एक बंदा जाके कहता है इसमें ड्यूटी लगा दो दूसरा बंदा कहता है ये तो मेरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है सो so ये जो आपकी झंझट है कि आप अगर गलती से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ड्यूटी लगा दिए और फाइनल प्रोडक्ट को खोल दिए जो nice. एक आशियान एफटीए का सबसे बड़ा लेसन लर्निंग है yeah. उसमें वो गलती नहीं करना चाहिए right. ये मैं कह रही हूँ द सेकेंड गलती एक हमने किया कि हम सोचते थे जापान कोरिया के टाइम में और आप लोगों को भी याद होगा कि बंदा अगर ये चीज बेचता नहीं है तो चलो इसको ड्यूटी रिड्यूस कर देते हैं और अगर ये चीज बेच रहा है तो इस कंट्री को ड्यूटी लगा देते हैं ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है

तो वो कैसे मार्केट को पकड़ रहा है वो मार्केट को पकड़ रहा है थ्रू उसका अदर एफ वो चाइना से ला रहा है ऑस्ट्रेलिया से ला रहा है सो जो कंट्री सप्लाई चेन को पकड़ के एफ टी करेगा और जो कंट्री इंटरमीडिएट का जो इनवर्टेड ड्यूटी का जो इशू है रूल ऑफ ओरिजिन का इशू है सही तरह से पकड़ेगा वो एफ को यूटिलाइज कर पाएगा okay. अगर कल को हमने आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ और ये बिल्कुल मैं हमारा स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में आया है जबकि टेक्सटाइल एंड एपरल ये तो सेक्टर ही मांग रहा है जीरो फॉर जीरो टू यू के फॉर द एफ टी ए कल को अगर हम फोर्टी परसेंट ड्यूटी में राजी हो जाए यू के साथ क्या ये सेक्टर फोर्टी परसेंट आर ओ ओ मीट कर पाएगा यूके में ये क्वेश्चन आप सोचिए यू ए के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी क्या वो अगर हम रॉ मटेरियल लाए प्रोसेस करें और यू में बेचें और मानिए हमने गोल्ड इंपोर्ट किया यूएई से प्रोसेस किया यूके में बेचा क्या मैं 40 परसेंट वैल्यू एडिशन दिखा सकती हूँ लेबर कॉस्ट में अगर नहीं।, नहीं दिखा सकती तो हम लोग क्यों एज अ इंडस्ट्री मांगते हैं 40 परसेंट ये क्वेश्चन हमें सोचना है ओके मैम सर आपसे जो मैं जानना चाहूँगी पिनाक रंजन जी इंडो पैसिफिक एरिया को uh, लेकर अगर हम देखें इस पूरे एफ़ टी ए को uh, वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस क्या है क्योंकि uh, अगर हमारा एफ़ टी ए ये uh, उस उसी दिशा में आगे बढ़ता है जिसका जिक्र uh, आपने शुरुआत में भी किया तो क्या ये इम्पॉर्टेंट रहेगा और स्पेसिफिकली इस रीजन की अगर हम बात करें क्योंकि शायद यूके भी इस तरीके से चाहेगा या इंडिया ज़रूर इस तरीके से चाहेगा कि अगर ये एफटीए उस कंक्रीट शक्ल में शक्ल को अख्तियार कर लेता है तो हम यहाँ पर क्या थोड़ा सा एज ले सकते हैं थोड़ा बेटर फील कर सकते हैं अगर हम ट्रेड और बिजनेस इन सब की बात करें यूके के साथ में इस सब कॉन्टिनेंट में या इंडो पैसिफिक रीजन में देखिए जितने भी एफ इंडिया ने किए हैं वो एशिया में किए हैं अभी तक वेस्ट यूरोप या यूके या यूएसए के साथ बातचीत हो रही है पर हम नहीं कर पाए हैं एफ तो ये हमको देखना है कि जियो इकोनॉमिकली हम सिर्फ एशिया में और उसका जो जो हमारा एक्सपीरियंस जो, जो रहा जो अभी अर्पिता जी ने कहा कि वो उसमें उसमें हमारा एक नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ गए डेफिसिट्स बढ़ गए Hmm. क्योंकि वो जो भी उन्होंने डिटेल्स बताए वैल्यू चेन वगैरह की क्या हम उसको कर पाए नहीं कर पाए होंगे शायद तो इसलिए वो लोग फायदा ज्यादा उठा लिए बड़े हैं आई hmm. मीन I mean, हमारे भी एक्सपोर्ट बड़े हैं पर उतना नहीं कि जितना उनके बढ़े इसीलिए हम लोग हमारा घाटा बढ़ गया है तो इसलिए हम उस एक्सपीरियंस को लेके अभी हम थोड़ा पश्चिम की तरफ देख रहे हैं कि यूरोप के साथ भी बातचीत चल रही है यूके के साथ भी चल रही है यूएसए के साथ भी चल रही है पर बात यह है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं और इनके साथ जो बातचीत होगी वो एक दूसरे स्तर पे होगी डेवलप्ड तो जापान भी है कोरिया भी है right. अब आसियान के साथ जब हमने किया हमने सोचा चलो इसमें हमको ज़्यादा फायदा होगा वो नहीं हुआ hmm. तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस हैं जो हम कर चुके हैं इसीलिए आपने देखा कि आर जो है उसमें से हम वॉकआउट कर गए हम ज्वाइन नहीं किए क्योंकि हमको मालूम है कि ये जो रूल्स ऑफ ऑरिजिन और फिर चाइना का जो ये जो यू नो थ्रू आसियान और क्योंकि ये सप्लाई चेन्स की बात होती है वो सप्लाई चेन्स बड़े इंटीग्रेटेड है उनके तो वहां से चाइना को और भी फायदा हो जाएगा और जियो पोलिटिकली अगर देखें तो थोड़ा सा FTAs और जो बायोलेट्रल ट्रेड वगैरह है वो उतना जियो के साथ मिरर इमेज नहीं होता है चाइना के साथ हमको प्रॉब्लम है पर चाइना के साथ हमारा ट्रेड भी बहुत ज्यादा है सो so, ये जो मिसमैच है बिटवीन जियो एंड जियो इकोनॉमिक्स ये रहेगा क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड वर्ल्ड में रहते हैं right. अब बॉर्डर को लेके जो झमेला है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ऑन द ट्रेड बिटवीन द टू पार्टीज कुछ एक्शन हमने लिए हैं डिजिटल एरिना में कुछ बैन कर दिए पर उससे क्या हुआ उस चाइना का तो ट्रेड बढ़ गया तो असली में ये भी देखना पड़ेगा हमें कि अब चाइना इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हो गया है कि वो पूरे पूरे सब जगह वो लोग वो सामान बेच रहे हैं और उधर अभी यूरोप में भी बात चल रही है कि चाइना के साथ कैसे डील किया जाए अब उधर यू में एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यू कैनॉट डीलिंग कैन डी कपल फ्राम चाइना तो हमको इस माहौल में हम कैसे कम्पीट करेंगे इसको भी देखना पड़ेगा एट द जियो पोलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लेवल इसीलिए यूके के साथ हम कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में अगर यूके के साथ हो जाए तो ये एक काफी दिस विल ट्रिगर जिसे हम कहते हैं कि यू यू ईयू के साथ भी और यूएसए के साथ भी शायद कुछ समझौता हो आई मीन नॉट अ फुल फ्लेजेड सीपा बट एक छोटा मोटा एफटीए जिससे हमें फायदा होगा ओके सर विजय कौल जी आपसे जब मैं समझना चाहूंगी जैसा अर्पिता जी ने भी जिक्र किया कि जो 40% परसेंट का अगर हम टैरिफ और बाकी सब चीज़ों की बात करते हैं वो हम कैसे दिखा पाएंगे क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि हम अच्छा करते हैं जैसे उन्होंने टेक्सटाइल का जिक्र किया जेम्स एंड ज्वेलरी का जिक्र किया लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन आपसे थोड़ा आसान आ, आ, हवाले से मैं ये जानना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ हमारे व्यूवर्स के लिए कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जहाँ पर हम थोड़ा सा बूस्ट देखेंगे और वो बूस्ट क्या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर रहेगा या कुछ और भी उस हवाले से बेटरमेंट होता हुआ हम देख सकते हैं मैं थोड़ा इससे पहले भी जो इंडो पैसिफिक की बात की उसके बारे में कहूँगा कि इंडो पैसिफिक में भी एक बे बिग जो आ, दो, जो इंडिया ने आर सेफ नहीं ज्वाइन किया मगर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का जो प्रपोजल है उसको जो यूएस ने रखा उसमें भी हमने जो है वो फोर डिफरेंट जो जो डायमेंशन पिलर थे उसमें से एक पिलर जो ट्रेड था उसमें इंडिया ने अभी जो प्रेजेंटली अभी रिफ्यूज़ कर दिया टू जॉइन उसमें एक इशू जो जो उसमें आ रहा है वो आ रहा है कि बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इश्यूज लेकर के लेबर और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को लेकर के तो इंडिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ये बेसिकली कहीं ये शो करता है मतलब इसमें हालांकि ठीक है हमारा अपना इंटरेस्ट है तो जैसे अर्पिता जी ने कहा कि बेसिकली ग्लोबल वैल्यू चेन की बात की और उसकी बात की मुझको लगता है कि हमको इस जो एफ के लिए मूव करना चाहिए मगर साथ हमको इस तरह की जो कैपेबिलिटीज हैं इनको भी स्ट्रेंदन करने की जरूरत है कि ग्लोबल वैल्यू चेन को भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है जहाँ पर हमको लगा क्योंकि जिस तरह से जो ट्रेड बढ़ रहा है जो ग्रो कर रहा है हमारे डिजिटल इकोनॉमी जो है वो कह रहे हैं कि इट विल बी अराउंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ द होल जो इकोनॉमी इट्स ग्रोइंग जो तो उसमें हमको कहीं ना कहीं हमको ये इस चीज़ को जो और स्ट्रेंदन करने की जरूरत है ताकि कल अगर और जो है अगर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो वहाँ हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें बाकी जहाँ तक जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात है तो डेफ़िनेटली हम जो एक जो इशू आ रहा है कि जो चाइना को लेकर के उसमें कि जो गारमेंट्स वाला जो गारमेंट्स का एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है हमारा ये जा रहा है यहाँ पर और गारमेंट्स का है और जेम्स ज्वेलरीज का है और इसके साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल और मेडिसन्स वग़ैरह भी हैं इसमें कोलेब्रेशन मुझको लगता है इसमें काफ़ी अच्छा हो सकता है और वो हम एफ को भी इनवाइट कर सकते हैं और उसको और एनकरेज कर सकते हैं और जो बेसिकली हमको एफ तो हमको जो डेफिनेटली हमको दिखना ये चाहिए किस तरह से वो हाई टेक जो है ड्रेवन हो जाए कि ऐसी एरियाज़ में हो जहाँ पर जो है हमको टेक्नोलॉजी जो चाहिए हम टेक्नोलॉजी जैसे हम जो डिफेंस की बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये इसमें ड्राइव करने की इसको जो 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 डायरेक्शन देने की ज़रूरत है कि वो हम एफ डी करें उसको मनी को इन्वाइट करें और उसको इस तरह के डायरेक्शन दें क्योंकि हमको जो है गारमेंट्स में और इस तरह के जो लो टैक एरियाज की प्रोडक्ट है उसमें इसकी जरूरतें हैं उसमें हमारी कैपेबिलिटीज़ है तो जिस जहां हम कैपेबिलिटीज जो थोड़ा सा लैक कर रहे हैं जिसको हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो हमको थोड़ा पुश ये करना चाहिए कि किस तरह से हम जो यूके के साथ जो कर रहे हैं उसमें ये करें इसको लेकर के जो मुझको लगता है कि थोड़ा सा ये डेफिनेटली कंसिड्रेशन हो ही रहा होगा और जिस तरह से है पर ये अपनी कैपेबिलिटीज़ को कैसे स्ट्रेंथन कर सकें जहाँ हमारे पर वीकनेसेस हैं उसको कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं यह मुझको लगता है लॉन्ग टर्म जो जो है ये कहीं थिंकिंग करने की जरूरत है क्योंकि हर बार ये कहें कि हम जो है कम्पिटिटिव नहीं है और उसकी वजह से हम आर से विद्रॉ कर लें या दूसरे से विद्रॉ कर लें वो भी चलेगा नहीं क्योंकि हम भी जो है अब इतनी बड़ी इकॉनॉमी बनने जा रहे हैं हम जो थर्ड और सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं तो हमको जहाँ जहाँ हमारी वीकनेसेस है वो उस वीकनेस को भी दूर करने की जरूरत है बिल्कुल दूर करने की जरूरत है एंड श्योर की वो दूर की भी जा रही होंगी और खासतौर से इसका जो ड्राफ्ट और जो पाँच दौर की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत चीज़ें हाँ। आई भी होंगे सामने जिनके ऊपर डिस्कशंस भी हुए होंगे और आ, कैसे और इसको बेटर फॉर्म किया जा सकता है आ, किसी अगर रिफॉर्म की जरूरत है तो क्या वो किया जाना चाहिए इन सब हवालों से बात हुई ही होगी तो हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप अपनी राय हम तक भेज सकते हैं हमारा ई का पता है डी डी उर्दू स्पेशल्स एट द इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए आदा